नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन के सहायता से नया जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नया जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, यही बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जीमेल आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है और इसे आप कैसे करेंगे आप लोगों को बता देता हूँ। जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रास्ता है, लेकिन जो सिंपल रास्ता होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा और यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट जीमेल आपको लिखना है। ठीक है, क्रिएट जीमेल आप लोगों को लिखना है। जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसा आप लोगों को लिखना है और सर्च कर देना है। ठीक है, ऐसे आप करिएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको आना कहाँ पर है, देखिए ये जो गूगल का पेज है ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट और जीमेल अकाउंट, जीमेल हेल्प, गूगल सपोर्ट। तो इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। और भी दूसरा रास्ता मैं बता दूंगा, जीमेल में जाकर ही आप नया जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट एन अकाउंट लिखा रहेगा, तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए, अगला पेज जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्रिएट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, और इसके बाद अपना लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जीमेल आईडी में क्या रखना है वो आप यहाँ पे अपना जीमेल आईडी चूज करके रखेंगे अपने मन से। उसके बाद पासवर्ड जो है वो आप लोगों को यहाँ अपने मन से ही डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे रीटाइप कर देंगे कंफर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जीमेल आईडी क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसे मैं पूरा फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम में मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो sarvanji6201@gmail.com। तो @gmail.com आपको यहाँ पे लिखा ही रहेगा, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं उसके आगे आपको बाद में लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और दोनों पासवर्ड को देख लीजिएगा। तो देखने के लिए यहाँ पे जो आइज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका पासवर्ड जो है वो शो अप हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग ये दोनों पासवर्ड को मिला लीजिएगा कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को सेम बना देना है उसको। ठीक है, और मैं इसे अब हाइड कर देता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो अगला पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखिए, आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद जो रिकवरी ईमेल आईडी है वो मांगा जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा और जेंडर मांगा जाएगा, बस इतना ही मांगा जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए मैं इसे भी टाइप कर देता हूँ पूरा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो शो अप हो जाएगा। कैसा ईमेल आईडी रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिए हैं और जेंडर चूज कर लिए हैं। अगर आप रिकवरी ईमेल आईडी देना चाहते हैं, अगर आपका ये ईमेल आईडी खो जाता है यूजर और पासवर्ड, तो उस ईमेल आईडी पर आपका जो रिकवरी है वो हो जाएगा इस ईमेल आईडी का। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा और 6 डिजिट का जो है आपको वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा आपके इस मोबाइल नंबर पे, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। तो सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। सेंड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी पहुँच गया होगा। मेरे पास अभी ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मेरे पास आया है 6867813, ये आया है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करिएगा तो आपका जो जीमेल आईडी है वो 100% क्रिएट हो गया है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इसी मोबाइल में आप अपने जीमेल आईडी को रखना चाहते हैं तो यस आई एम पे क्लिक करना है, और नहीं इस मोबाइल में रखना चाहते हैं तो स्किप पे क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।